हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है स्पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है ना। दो स्लाइड्स जो है हमारी स्पोर्ट्स की हैं, ठीक है, और एक जो है वो है मतलब इससे अलग है, स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं है वो, ठीक है ना। एक अलग सी न्यूज़ है जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए। तो स्लाइड्स की बात करें तो हमारे पास पूरी तीन स्लाइड्स हैं। वीडियो जो है वो 3 से 4 मिनट तक रहने वाली है, ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना तो एक्चुअली टीम इंडिया में आपको पता है कि कुछ ग्रेड्स होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। सब प्लेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सबका अलग होता है, मतलब जिस ग्रेड में जो प्लेयर आएगा उसको उतने ही उस तरह से उसको जो सैलरी है वो मिलेगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है BCCI, जिसने क्या किया, अनाउंस किया कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा टीम इंडिया प्लेयर्स के लिए, मतलब जो 2023 से 2024 का जो सीज़न है, ठीक है ना, उसको लेकर BCCI ने क्या किया, एनुअल रिटेनरशिप कॉन्ट्रैक्ट जो है प्लेयर्स के लिए क्या किया, डिवाइड किया। मतलब वो लाया है अभी, ठीक है ना, 4 ग्रेड्स में लाया है अभी BCCI ने। आप देख लें, देखिए सबसे पहला जो ग्रेड है वो है A+, ठीक है ना, फिर है A, फिर है B और फिर है C। देखिए प्लेयर्स जो A+ ग्रेड में होंगे ना, उन सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो दी जाएगी वो A+ ग्रेड वालों को दी जाएगी, और उनकी जो अमाउंट रहेगी, ठीक है ना, वो कितनी रहेगी, 7 करोड़ रहेगी, ठीक है ना, 7 करोड़ रहेगी। जो प्लेयर्स A, B और C कैटेगरी में रहेंगे उनको 5 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़ रिस्पेक्टिवली। मतलब ये हुआ कि ए कैटेगरी वाले को 5 करोड़ दिया जाएगा, बी कैटेगरी वाले को 3 करोड़ दिया जाएगा, और जो सी कैटेगरी प्लेयर होगा उसको 1 करोड़ दिया जाएगा। ये अभी BCCI ने क्या किया, अनाउंस किया है, ठीक है ना। BCCI मतलब क्या हुआ, BCCI, एक सेकेंड, BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऐसे ही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ ये वाला, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है एक प्लेयर। एक्चुअली अभी अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में आपको पता है कि सीरीज चल रही है, और उसी के चलते दूसरे जो सेकंड T20 चल रहा था उसमें ये एक ये शख्स आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये भाई दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्या होता है कि ग्राउंड में क्या होता है, पिच पर इंटर हो जाता है, मतलब ग्राउंड में इंटर होता है, पिच पर चला जाता है विराट कोहली से मिलने के लिए। तो फिर इसके साथ क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसके साथ ऐसा होता है कि इसको वहां से पकड़ने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना, फिर इस पर होती है इन्वेस्टिगेशन, और मतलब इसको वहां पर रखा जाता है पुलिस स्टेशन पर कुछ दिनों के लिए इसको वहां पर रखा जाता है, ठीक है ना। और जो कि अब ये ऐसा मतलब जो ये पिच के अंदर चला गया, ये सही है, ये गलत है। पिच के अंदर आप जाना यार, क्या करते हैं आप प्लेयर्स के साथ, ठीक है, आप उनके वो फेवरेट वो आपके प्लेयर्स हैं, लेकिन जहाँ पर आपको प्यार तो अपने माँ बाप से करना चाहिए, जो लॉजिकली जाना चाहिए आपको, क्या करते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो जहाँ वैल्यूज़ ठीक है इनको भी दें, लेकिन जहाँ वैल्यूज़ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ भी ज़रूर देनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो ये थी इसमें ये चीज़ थी मैं बता रहा था कि एक्चुअली फिर इस इंसान को क्या किया, वहाँ से पुलिस स्टेशन से जब इसको रिलीज़ किया गया तो ये इसको हार पहनाकर दोबारा इसको वापस लाया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ पुलिस से इसको मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास तो ये है एक लेडी, ठीक है ना, और इसके बाल देखें आप, ये बाल जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बाल जो आपको दिख रहे हैं ये कैसे बाल हैं, एक्चुअली ये बाल आपको बिल्कुल ये इसने खड़े नहीं किए, ये खुद मतलब खड़े होने के बाद ये ऐसे ही रह गए। अगर ये हाथ यहाँ से हटाएगी भी ना तो तब भी ये बाल ऐसे ही ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि ये बाल जो हैं वो फ्रीज़ हो चुके हैं, ठीक है ना। इतनी सर्दी में जो बाल है वो क्या हो गए, फ्रीज़ हो चुके हैं, क्योंकि जिस टेम्परेचर में अभी खड़ी है ये औरत, ये जो लड़की है, वहाँ पर -30°C, ठीक है ना। और बात है स्वीडन की, और वीडियो जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है इस वुमेन हेयर को लेकर, ये जो फ्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, इतने टेम्परेचर में जो बाल हैं वो बिल्कुल फ्रीज़ हो गए, और फिर उस पर वीडियो जो है वो शेयर की गई, और फिर शेयर होते होते वो वीडियो क्या हो गई, वायरल भी हो गए, ठीक है ना, जैसे कि ये वीडियो वायरल हो रही है, ठीक है। सो यही थी हमारे पास अभी तक की सबसे लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो कि 3 स्लाइड के साथ आपके साथ प्रेजेंट की है, ठीक है। आपको ये वीडियो अब कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं, मतलब अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना आपने भूलना ही नहीं है, और बेल आइकन को आपने प्रेस करना तो भूलना ही नहीं, क्योंकि उसे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती है। तो चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।